हिंदू धर्म में ज्योतिष विज्ञान का महत्व है, जहां हमें न केवल भूत वर्तमान अपितु भविष्य की भी गणना करने को मिलती है। रीवा दर्शन आज इस विज्ञान से सफल हो चुके विधानसभा चुनाव के परिणाम का एक अनुमान लगाने जा रहा है। यह एक काल्पनिक अनुमान है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य शनि सम्राट। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत। हम चर्चा को आगे बढ़ाए इसके पहले जान लेते हैं आखिर ज्योतिष विज्ञान है क्या। नमस्कार दर्शकों, जय शनि महाराज की। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम आंकड़ों के आधार पर न केवल भूत वर्तमान अपितु भविष्य की भी एक अनुमानित गणना करते हैं, जो कई बार सही भी होती है, कई बार गलत भी होती है। इसीलिए इसे एक काल्पनिक गणना माना जाता है, परंतु फिर भी एक श्रद्धा और विश्वास के विषय के अनुसार ये एक ऐसा विज्ञान है जिसे हम लोगों के लिए भविष्य में होने वाली घटनाओं का एक अनुमान लगा सकते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में दर्शकों को केवल दो राजनीतिक पार्टियों की गणना बताएंगे और ये पहली गणना होगी हमारी टैरो विज्ञान के जरिए। तो ज्योतिषाचार्य जी आपको बताएंगे टैरो विज्ञान क्या कहता है कांग्रेस प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल की टैरो विज्ञान गणना। टैरो विज्ञान एक ज्योतिष का ऐसा पार्ट है जिसमें हम अंकों के अनुसार सामने वाले व्यक्ति की होने वाली भविष्य की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आदरणीय विजय जी ने कहा, सबसे पहले हम कांग्रेस प्रत्याशी श्री अभय मिश्रा जी के बारे में उस अनुसार गणना करेंगे। अभय मिश्रा जी का नाम अभय है जिसके अंकों का योग 10 आ रहा है और बाद में वो मूलांक 1 हो जाता है। एक टैरो विज्ञान में सनशाइन है। सनशाइन का मतलब एक सूर्य का प्रतीक है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसकी अपनी अलग ही ज्योतिष में महत्ता है। इसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जब हम ग्रहों की गणना करते हैं तो 9 ग्रहों में 2 समूह होते हैं, एक देव समूह ग्रह और एक असुर समूह ग्रह। देव समूह ग्रहों में सूर्य, बुध, गुरु एवं चंद्र आते हैं तथा असुर ग्रहों में शनि, शुक्र, राहु, केतु आते हैं। 9वां ग्रह बुध जो कि सभी ग्रहों को समान दृष्टि से देखता है परंतु सिर्फ एक ग्रह को ही शत्रु की दृष्टि से देखता है जिसका नाम चंद्र है। हमारे देव समूह के ग्रहों के जो लीडर हैं या जो नेतृत्व कर रहे हैं वो सूर्य महाराज हैं और असुर ग्रहों के शनि महाराज हैं। परंतु अभी हम बात करते हैं सूर्य महाराज की। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो पूरे ब्रह्मांड में सभी ग्रहों को प्रकाश के रूप में शक्ति का संचालन करता है और अभी देखा जाए तो गोचर में ये मंगल के घर में उपस्थित हैं। जिस राशि में उपस्थित हैं वो मंगल देव की राशि है, वृश्चिक राशि, और मंगल देव ग्रहों के सेनापति हैं तथा सूर्य जो है ये सभी ग्रहों को प्रकाश के रूप में शक्ति देते हैं और शक्ति का संचालन करते हैं। सभी ग्रहों को अपितु पूरी सृष्टि को प्रकाश के रूप में ऊर्जा देते हैं जिससे पूरी प्रकृति में सृष्टि में ऊर्जा का संचालन होता है। अगर ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो वैसे तो ये देव ग्रहों के घरों में और उनके साथ अच्छा रिजल्ट देते हैं, परंतु अगर इनकी पर्सनल बात की जाए तो ये जिस घर में बैठते हैं और इनके साथ कोई और ग्रह भी हो तो उसके चाहे कुप्रभाव हो चाहे सुप्रभाव ये उसको स्थगित कर देते हैं, उसको अस्त कर देते हैं। कुल मिलाकर जहां ये रहेंगे वहां इन्हीं का प्रभाव रहेगा। और दूसरी चीज, क्योंकि ये देव ग्रहों के लीडर हैं जिसके साथ इनकी ऊर्जा होती है उसमें लीडरशिप की भी काफी ज्यादा क्वालिटीज आ जाती हैं। सरल शब्दों में ये कहा जाए कि अगर सूर्य की बात करें तो इनके आगे कोई ग्रह नहीं टिक सकता। और क्योंकि हम अभी कांग्रेस प्रत्याशी आदरणीय अभय मिश्रा जी की बात कर रहे हैं तो इनके साथ उनका बल काफी तगड़ा है। अब नंबर 2 पे हम बात करते हैं अपने बीजेपी के आदरणीय श्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की, जिनके नाम का योग टोटल 8 आ रहा है और टैरो में 8 का मतलब होता है शनि। शनि महाराज एक ऐसा ग्रह है जिनका नाम लेने पे ही लोग भयभीत हो जाते हैं, चाहे
शनि का साढ़े साथी हो, चाहे शनि का ढैया हो, चाहे उसका कोई प्रभाव हो। सामान्य तौर पर लोग यही मानते हैं कि शनि की अगर दशा आ गई तो लोग परेशान हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं, ये उनके लिए गलत अवधारणा है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो सुप्रभाव भी देते हैं, कुप्रभाव भी देते हैं, परंतु इनका काम ही है लोगों को उनके किए गए पूर्व व वर्तमान कर्मों का फल देना। देवताओं में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं ने इन्हें कर्म फलदाता, न्याय दंडाधिकारी की उपाधि दी है। बल्कि पूरी सृष्टि का संचालन करने वाले महादेव ने इन्हें वक्र दृष्टि का वरदान दिया है, जिसके अनुसार ये उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे इनका नाम लेने पे लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये बुरा फल देंगे। अगर शनि मेहरबान हो जाए तो बहुत सारी उपलब्धियां एक साथ अचानक से भी आदमी को प्राप्त हो सकती। अगर हम बात करें टैरो विज्ञान की, तो यहाँ पर टैरो राजेंद्र शुक्ल, अभय मिश्र दोनों का टैरो हमने जाना, दर्शकों को हमने बताया। अब अगर हम बात करें कि किनके प्रबल योग हैं, आखिर कौन भारी पड़ रहे हैं, तो ज्योतिष विज्ञान यहाँ पर क्या अनुमान लगाता है और क्या कहना चाहेगा वो दर्शकों के लिए कि ये एक फलदायी है और एक ये प्रबल योग बनाने वाले हैं। देखिए, इसके लिए हम ये देखते हैं कि सूर्य देवता आज की डेट में अगर कहा जाए तो मंगल के घर में बैठे हैं, जो देव सेना के सेनापति हैं, वो उनके लिए अच्छा है। जबकि शनि देव आज की डेट में धनु राशि में हैं, जो कि देव गुरु हैं, वो उनके अपोजिट में चले जाते हैं। तो जो अभय मिश्रा जी के लिए आ रहे हैं वो अपने अच्छे घर में हैं सूर्य महाराज, और शनि देव अपोजिट कंडीशन में हैं। तो यहाँ अगर एक अनुमान लगाते हैं तो टैरो विज्ञान के अनुसार तो अभय मिश्रा जी की ही तरफ चांसेस ज्यादा चल रहे हैं। जी, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम नाम के अनुसार गणना करेंगे, दर्शकों को बताएंगे आखिर राजेंद्र शुक्ल और अभय मिश्र पर कौन पड़ रहा है भारी। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे नाम अनुसार राशि की, नाम अनुसार राशियां क्या डालती हैं प्रभाव, जानते हैं ज्योतिष से। नाम अनुसार राशियों का भी काफी प्रभाव रहता है। व्यक्ति विशेष का जो नाम रहता है, उसकी जो राशि रहती है, उस राशि के जो स्वामी रहते हैं, उस अनुसार भी उसके स्वभाव, उसके आगे आने वाले परिणामों में भी काफी फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें अभय मिश्र, मेष राशि है, नाम अनुसार उनकी राशि जो है मेष है, तो क्या असर होगा और क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे? इसका सीधा सीधा प्रभाव हम गणना करते हैं कि उस राशि के स्वामी कौन है। अभय मिश्रा जी की राशि मेष है, जिसके स्वामी मंगल है। समान तौर पर मेष राशि के रोज लोग साफ सुथरी बात करने वाले, इनका चरित्र साफ सुथरा, आदर्शवादी, बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी, समाज में वर्चस्व वाले, मान सम्मान प्राप्त करने वाले, दूसरों के हक के लिए किसी भी हद तक जाके लड़ने वाले, संघर्षशील रहने वाले, किसी भी कार्य को ले लिया तो उसे बिना खत्म किए ना छोड़ने वाले। अग्नि तत्व होने के कारण थोड़ा क्रोधी होना, कर्मठ, कलाकार एवं हमेशा दूसरों को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले भावुक होते हैं। आमतौर पर इस राशि के लोग के साथ जुड़े लोगों को ज्यादा फायदा होता है। ये कहा जा सकता है कि ये किंग मेकर होते हैं, ये दूसरों को बढ़ाते हैं, ये हर कार्य करने में सक्षम होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, कर्मठ होते हैं, और इनमें नेतृत्व की एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है। ये जहां नेतृत्व करने पहुंच गए तो वहां से लाइन चालू हो जाती है। राजेंद्र शुक्ल की राशि है तुला, तुला राशियां क्या प्रभाव डालती हैं और इन राशियों के जो व्यक्ति होते हैं कहां तक कितना सफल हो सकते हैं और कैसे ये समाज में एक प्रतिष्ठा कायम करने में सफल होते हैं? इसके लिए हमें जानना होगा कि इनकी राशि के स्वामी कौन है। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की राशि है तुला, जिसके स्वामी है शुक्र। सामान्य रूप से तुला राशि के लोग भावुक, साफ सफाई पतन, क्योंकि इनमें पश्चिम दिशा के स्वामी है तो इनमें वायु तत्व पाया जाता है, प्रोत्साहन करने वाले होते हैं, लोगों को स्नेहिल होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, तथा ये न्यायप्रिय होते हैं। किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से, बुद्धिमता से, बिना किसी समस्या के निपटाने वाले होते हैं, और इनके मित्र भी नहीं पसंद करते हैं, तथा साथ साथ ये जहाँ रहते हैं उस स्थान को बड़े सुंदर रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इनमें लोगों के लिए सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थित होने की कला पाई जाती है, प्रसन्न चित्त होते हैं, ये विचलित नहीं होते, ऐतिहासिक स्थान में जाने के और उस स्थान से जुड़े उसका उद्धार करने की क्षमता इनमें पाई जाती है,
सुंदर मनमोहक स्थान में जाने के शौकीन तथा किसी भी स्थान को सुंदर मनमोहक रूप देने में ये सक्षम होते हैं। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव में, ये दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे से यहाँ पर विधानसभा में एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हुए हैं। एक तरफ जहाँ अभय मिश्र कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा से राजेंद्र शुक्ल। ऐसे में अगर हम बात करें इलेक्शन में इन दोनों के परिणामों की, तो कौन किस पर भारी पड़ रहा है राशियों के अनुसार, नाम के अनुसार? अगर हम अभय मिश्रा जी की बात करते हैं तो इस समय मंगल की जो सिटिंग है, जो मंगल देव बैठे हैं वो शनि देव के घर कुंभ में बैठे हैं और ये शत्रु हैं, तो इस अनुसार यहाँ इनको उतना बल नहीं मिलता। और अगर हम बात करते हैं शुक्रदेव की, जैसा कि आपको मैंने बताया कि तुला राशि के लोग प्रसन्न चित्त होते हैं, विचलित नहीं होते, कठिन से कठिन स्थितियों में साफ सफाई पसंद होते हैं तथा एक से अधिक इनके मित्र होते हैं और ये मित्रता में बड़ी ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं। और दूसरों को सहारा देना, कलाकार, सौंदर्य उपासना और इस प्रकार से संबंधित चीजों की निर्माण भी करवाते हैं। और ये अभी शुक्रदेव की सिटिंग तुला राशि में, तुला में ही है, वो अपने ही घर में बैठे हैं तो उनको तो काफी सपोर्ट मिलेगा। तो अगर इस अनुसार बात करें तो राजेंद्र शुक्ला जी के चांसेस ज्यादा बनते हैं कि राशि के अनुसार उन्हीं की विजय के चांस बनते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जिस तरह से कर्म प्रधान देश है हमारा, और हम जब कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं, तो ये दोनों ही कर्मशील है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अपनी अपनी उपस्थितियां दर्ज कराई हैं, तो अगर हम तीनों अंक गणित इनकी तिथियों के अनुसार और अगर हम जन्म तिथि के अनुसार बात करें, तो ज्योतिष विज्ञान जन्म तिथि के अनुसार इन दोनों प्रत्याशियों को कहां पर देखता है? अगर हम बात करते हैं जन्मांक की, तो आदरणीय अभय मिश्रा जी का जन्म का डेट 22 जून 1967 है और राजेंद्र शुक्ला जी का डेट 3 अगस्त 1964 है। केवल जन्मांक लेते हैं तो उसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को ही देखा जाता है। जैसा कि हम अभय मिश्रा जी के लिए बात करते हैं तो उनका 22 है, 22 को जोड़ने पे 4 आएगा। अगर टैरो की बात करें तो 4 राहु का अंक है। राहु का काम होता है भ्रमित करना, लोगों को अपने प्रभाव में लेना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वो इकलौता ग्रह है जो राजयोग की स्थिति निर्माण करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी फलदायी होता है। इसमें एक खास बात यह रहती है कि यह अपनी बात से, छल से, कपट से, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से सामने वाले को अपनी तरीके से मंत्रमुग्ध करके मनवा ही लेता है। इसके अनुसार अगर राहु की बात करें तो इसमें ड्रग डीलर्स हो गए, पॉलिटिक्स हो गया, चुनाव हो गया, या कोई भी इस प्रकार का काम जिसमें कि साम दाम दंड भेद की नीति लगती है, सामने वाले को अपने प्रभाव में लेना होता है, उसके लिए ये सफल कराता है। लोगों को अपने प्रभाव में लेना इसका सबसे बड़ा गुण है। ये राजयोग का प्रमुख ग्रह है। राजयोग की स्थिति के लिए 4थे या 10वें घर में राहु और केतु का होना आवश्यक है और ये भी शनि की छाया माना जाता है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार फल ये भी देता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, किसी को भी ये ग्रहण लगाने से नहीं छूटता। अतः अगर इसकी बात करें तो राहु के प्रभाव कारण तो राजयोग भी और राजनीति, चुनाव सबके लिए आवश्यक है। तो यहाँ तो ये बहुत बल दे रहा है अभय जी। अब हम बात करते हैं राजेंद्र शुक्ला जी के जन्म, उनका डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 1964 है। टैरो के अनुसार 3 जो है वो गुरु का अंक है। नाम सही सौम्य, सरल, किसी को कुछ देने वाला, किसी द्वारा किए गए गलत काम का 1000 से भी अधिक दोषों का केवल अकेले निवारण करने वाला, कॉन्सेंट्रेशन स्टडी, चाहे पढ़ाई करना हो चाहे किसी को पढ़ाना हो, सौम्यता, सज्जनता, लोगों में अच्छी सोच का द्योतक, लोगों में पूजा पाठ व अच्छी सोच, अच्छे से लोगों की सहायता करना पौराणिक सभ्यता के लिए ये प्रतीक है। सौम्य सभ्य, किसी भी चीज को देने वाला, जैसे कि हम पुराने जमाने में कहते थे गुरु दक्षिणा, मतलब हमें कुछ देना है। गुरु का मतलब ही है दान, देना, जो कि हमें पुराने जमाने के लोग कहते थे। गुरु दक्षिणा वह है जो गुरुदेव गुरु बृहस्पति द्वारा देवताओं को पूजा कुछ सिखाने पढ़ाने के बाद उसके बदले में कुछ दिया जाता था, वहां से प्रथा चली थी। ये संयम देने वाला ग्रह है और इसमें सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि ये सरल मार्ग की ओर जाता है। और चुनाव एक ऐसी चीज है कि इसमें सिर्फ सरलता से तो काम नहीं हो सकता,
तो अगर हम इस अनुसार इनकी तुलना करें, जहाँ एक तरफ देव गुरु बृहस्पति हैं जो सरल सौम्य सभ्य हैं, जो सरलता से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो देने के लिए तैयार हैं, और वहीं एक तरफ राहु है, अगर कोई देने को भी ना तैयार हो तो उसे मंत्र मुग्ध कर अपनी ओर खींचने वाला है, तो इस अनुसार तो अभय मिश्रा जी का ही चांस ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल। बहरहाल चुनाव के नतीजे का इंतजार आपकी तरह हम लोग भी कर रहे हैं। ये एक महज गणना है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान गणना के आधार पर चलती है। हम एक अनुमान लगाते हैं और उसी के आधार पर हम ये तय करते हैं कि आखिर परिणाम क्या होंगे, लेकिन हम इस पर मोहर नहीं लगाते कि आखिर ये सत्यता है और हमारी कही बातें हुई सत्य होंगी। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। सनी सम्राट जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फिर हम इन्हीं अगले कार्यक्रमों में फिर शरीक करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।